Hello everyone, welcome back to Ace the Clad. This is Ritik Sana and in this video I'll be some of you actually requested ki bhaiya ek video bana do 120 days to clad 2022 pe ya fir 4 months to clad 2022 pe. Okay, so here it is. And you know, with and as you already know, I regularly come up with useful videos for clad 2022 or generally the common law admission test, right? And so it would make sense for you to subscribe to this channel if you haven't already and press the like button, because I'm sure that you would be taking out some value from this video. Okay, let's get started with the video. I would be talking about an effective strategy for an ideal candidate. Now you might say, hey Ritik, what is an ideal candidate? What do you mean by an ideal candidate? Okay, so an ideal candidate for me over here is, there are three conditions, right? Okay, for me there are three conditions. Firstly, his or her basics should be in place. Okay, बेसिक्स जो हैं सारे सब्जेक्ट के, इट वुड मीन कि लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. लीगल रीजनिंग में ही और शी हैज़ बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ लीगल आर्टिकल्स, राइट. इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ही और शी शुड बी यू नो वेरी थरो और एटलीस्ट बी वेरी कम्फर्टेबल विथ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ऑल. ओके, सो बेसिक्स वहाँ पर क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट के और एक आइडियल कैंडिडेट के. और सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, उसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए. नो बैकलॉग मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली, राइट. कि करंट अफेयर्स में जो है ना, अभी वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक कम से कम उसके सारे इवेंट्स कवर हो जाने चाहिए थे. ओके, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मतलब 20 इवेंट्स फ्रॉम दिसंबर एंड अ टोटल ऑफ 50 इवेंट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवंबर कम्बाइंड. ओके, सो 70 इवेंट्स अब तक तो वो मिनिमम कवर कर चुका है. ओके, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज कि सब कुछ सिर्फ नॉलेज गेन करने से नहीं होगा, सिर्फ याद करने से नहीं होगा. यू शुड बी परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल इन योर मॉक्स एज वेल. परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल. ओके, नाउ यू अगेन माइट वॉन्ट टू आस्क, हे रहते क्या, हे भैया क्या होता है रीजनेबल स्कोर करना मॉक्स में. आई वुड से डिपेंडिंग ऑन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कोर ऑफ 80 to 90, राइट. बट अगर एक बात बोलूँ तो 90% तुम्हारे अगर मेन स्ट्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, मतलब जिसमें 1000-1200 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं, या 800 भी बैठते हैं, या 500 भी बैठते हैं एटलीस्ट, तो उसमें 90% आ रही है तुम्हारी, देन यू आर वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट्स. एंड येस, अगर बेसिक्स कवर है और एडवांस्ड एरियाज भी कवर्ड हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, फिर तो और अच्छा है. बैकलॉग नहीं है, कोई भी बैकलॉग नहीं, बहुत बढ़िया. और 90% के आप 95, 99, 100, 99.99% भी ला रहे हो, तो भी ये वीडियो, और यू आर एन आइडियल कैंडिडेट एंड दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर यू. ओके, नाउ while मेकिंग दिस वीडियो और वाइल थिंकिंग ऑफ दिस वीडियो, आई थॉट कि इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग में मैं किस बारे में बात करूँगा. ओके, एन आइडियल पर्सन वुड बी समवन हु इज कम्फर्टेबल विथ एलसेट क्वेश्चन, विच मीन्स ही इज स्कोरिंग 20+ आउट ऑफ 26, 27 or 25 क्वेश्चन दैट एलसेट सेक्शनल टेस्ट हैव, है ना. किस में मिलेगा तुम्हें एलसेट के सेक्शनल टेस्ट? देर इज दिस ड्राइव फोल्डर, द लिंक ऑफ विच आई वुड गिव इन दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कॉमेंट में याद दिला देना, मैं पक्का डाल दूंगा. ओके, एलसेट में 20+ लाना चाहिए. एंड गोइंग फॉरवर्ड, वॉट हिज स्ट्रैटेजी शुड बी, सी वंस यू आर डन विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, और वंस यू हैव स्टार्टेड गिविंग और गेटिंग दिस दीज काइंड ऑफ स्कोर, मोस्टली आपका काम इंग्लिश में बेसिक्स कवर करने का तो हो चुका है ना. अब आपको अपस्किल करना है ज़्यादा से ज़्यादा. दिस वुड मीन यू शुड बी रीडिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट. ओके, eon.co से पढ़ सकते हो, कोई हैवी नहीं बोलूँगा, कोई अच्छा नॉवेल अगर आपको मिल जाए, ओके, तो उसे ज़्यादा नहीं पढ़ना हो. खास करके नॉवेल्स ये सबको ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी. आधे एक घंटे एक दिन में पढ़ो, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में नहीं आए तो फिर उसे गूगल करो. ओके, नॉवेल फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, अगर आप आइडियल कैंडिडेट हो तो. एंड इफ़ योर कंसर्न इज़ कि सर मैं, या फिर भैया मैं तो बिल्कुल ही आइडियल कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे तो बेसिक्स तो कवर है ही नहीं, मेरा तो पूरा सीए बचा हुआ है, करंट अफेयर्स बचा हुआ है, मेरा पूरा
मॉक्स में तो बहुत ख़राब हालत है। देन यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं ज़रूर अभी वीडियो बना रहा हूँ 120 डेज़ के लिए, बट देर आर एटलीस्ट अराउंड 140 डेज़ रिमेनिंग टू क्लैट, राइट। 8th मई तक अभी 140 डेज़ रिमेनिंग है, या शायद ज़्यादा ही है, 145 डेज़ रिमेनिंग है। ओके, सो वॉट यू शुड नॉट बी टू मच कंसर्न अगर मैं अगर तुम इस समय आइडियल कैंडिडेट नहीं हो, बट इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ यू शुड बी स्टडिंग सो हार्ड, लाइक 8 or 10 आवर्स एवरी डे, जिससे तुम एक आइडियल कैंडिडेट बन जाओ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग में यार यही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी कि अब अपन कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दे जी मैट के। आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस वीडियो, बट टू गिव यू अ ओवरऑल आइडिया कि कैसे मुझे कवर करना है जी मैट के 600 लेवल के क्वेश्चंस तक, तो अब आप कंफर्टेबल हो गए, राइट। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम जी मैट क्लब एज वेल, ठीक है। मैं उधर ही से 600 लेवल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग कंफर्टेबल विद 700 लेवल क्वेश्चंस एज वेल इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 or 3 months। ओके, दिस शुड बी योर आइडियल गोल। एंड फिर जो क्लैट है, क्लैट देखो यार, क्लैट एलसेट से भी ईजी ही रहता है, करेंट अफेयर्स और सॉरी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ तक बात है। तो तुम उसे एक लेवल नहीं, दो लेवल ऊपर के पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज़ ऑब्वियस, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, राइट। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा जिसका, जिस किसी किसी इन पूरे सब्जेक्ट्स में, उसको उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, है ना। लीगल रीजनिंग की बात करते हैं। आइडियल कैंडिडेट कौन हुआ जिसने, आइडियल कैंडिडेट वो हुआ जिसने, सी अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ओवरऑल ब्रॉडली बात करूँगा कि इन बातों का तुम ज़रूर ध्यान रखना। ओके, आइडियल कैंडिडेट कौन होगा जिसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी बहुत पकड़ है, ही और शी इज़ फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट यू शुड बी डूइंग, रीडिंग एवरी डे फॉर हाफ एन आवर ऑन लीगल आर्टिकल्स। ओके, हाफ आवर ऑन लीगल आर्टिकल्स, दिस वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टडी मटेरियल होगा तुम्हारे पास, है ना, मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट का बैकलॉग होगा, है ना। वहाँ से हफ्ते में एक या दो सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो। ओके, दिस इज प्रीटी मच यू शुड बी डूइंग। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कि सैम्पल पेपर्स और फाइनल पेपर को इग्नोर मत करना। ओके, सैम्पल पेपर्स क्लैट 2020 में जो रिलीज हुए थे, फाइनल पेपर क्लैट 2020 का, 2021 का, लीगल रीजनिंग के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ। ओके, वो समझो एक तरह से कि दे आर द बेस्ट बेट फॉर यू एज फार एज योर प्रिपरेशन फॉर लीगल रीजनिंग इज कंसर्न। हाँ, अभी लीगल रीजनिंग पे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने लग गए हैं मार्केट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बट फिर भी उतना रिफाइंड कॉन्टेंट आने में शायद से एक और सीज़न और लगेगा क्लैट का। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। लीगल रीजनिंग में भी क्लियर होगी, वैसे ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मुझे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो तो मैं बोलूँगा कि हर हफ्ते 2 से 3 सेटिंग करो, 2 से 3 घंटों की। ओके, एंड हर सेटिंग में एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज़ दी ओनली वे दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इन क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। एंड अगर आप क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को एग्जाम्स में, सॉरी मॉक टेस्ट में स्किप करने का सोच रहे हो या अभी तक करते आए हो, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपको आपके गोल से क्लैट क्लियर करने के, या फिर क्लैट में top 3 top 5 लॉ स्कूल्स में जाने से कितना दूर लेके जा रहा है। यू डू नॉट हैव एनी आइडिया। ओके, एंड हियर मी आउट, अनलेस यू आर अ जीनियस यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर क्लैट विदाउट doing good in quantitative techniques, okay, without doing reasonably in quantitative techniques, okay. Current affairs is the last section over here, right, English or logical reasoning के साथ में ही बात कर ली थी। करेंट अफेयर्स में मेक श्योर कि अगले 20 दिनों में जब एक्चुअली 120 डेज बचेंगे, all your backlog is covered, okay. This is the only tip for the next 20 days.
एंड सब्सिक्वेंटली जनवरी ऑनवर्ड्स यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कवरिंग एटलीस्ट 40 इवेंट्स एवरी मंथ, 40 इवेंट्स, 40 रेलेवेंट इवेंट्स फ्रॉम 6 to 8 सोर्सेस, ओके, फ्रॉम 6 to 8 सोर्सेज और 5 to 8 सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इवेंट. ओके, कहाँ से इवेंट सेलेक्ट करना है? ओपिनियन पेज से कर सकते हो, किसी क्लैट कॉम्पेंडियम से सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, कहीं से लिस्ट तुम्हें मिल जाए, वो अगर रेलिवेंट है तो उसे फॉलो करने की कोशिश करो. ओपिनियन पेज से काफ़ी अच्छा, एक दो यूपीएससी वेबसाइट्स हैं, दृष्टि आय से कवर कर सकते हो. ओके, वहाँ से काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगी तुम्हें कि कौन से इवेंट रेलिवेंट हैं, कौन से इवेंट रेलिवेंट नहीं है. एंड 6 से 8 सोर्सेज से करना ही करना है, आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ एज वेल. एंड वन मोर थिंग, रिविजन के बिना इट वुड जस्ट बी टू मच टू स्टडी एट द एंड. ओके, मेक श्योर दैट यू रिवाइज एन इवेंट एटलीस्ट एवरी 15 डेज. कोई भी इवेंट तुमने आज कवर किया, हर 15 दिन में उसे रिवाइज करने की कोशिश करो, विच मीन्स एक दिन पूरा तुम्हें वीक में रिविजन को ही देना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आई ऑल्सो होप कि इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी सारा आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे मुझे आगे जाके प्रिपरेशन करना है. ओके, कोई क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में डालो एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी. easetheclat@gmail.com फ़ोन नंबर है, वेबसाइट हमारी ये है. द मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड द करंट अफेयर्स प्रोग्राम इज़ नाउ लाइव. ओके, इन द मेंटोरशिप प्रोग्राम आई हैव रिसीव्ड सम एक्सेलेंट फीडबैक फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, द करंट अफेयर्स 101 प्रोग्राम इज़ ऑल्सो लाइव. आई होप यू नो अबाउट दीज, राइट? अदरवाइज आई वुड लिंक द डिटेल्स ऑफ दिस ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स इन द कॉमेंट सेक्शन. द स्कॉलरशिप टेस्ट इज अराउंड द कॉर्नर. ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.